गाइस कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी अपने रेट्स आगे फिर से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के। सो गाइस आज की जो वीडियो की रिएक्शन है वो बहुत ही फाड़ आया है। आप खुद चलकर वीडियो को देखो यार, वीडियो बहुत ही सुपर बनी है। मैं मिलती हूं आपको वीडियो के बाद। ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैंने। कैसे हो? योर गुड नेम राफिक आदि। राफिक राफे आर ए एफ ई क्यू ए डी आर ए एफ ए क्यू ए आर क्यू ए डी आर क्यू ए डी आई। नाम तो बड़ा अच्छा है यार, मुश्किल है थोड़ा सा। हाँ। समझ जाऊंगी जैसे जैसे तुम्हारे नाम को समझोगे वैसे वैसे तुम्हें भी परख लूंगी। क्या कर रहे हो यहाँ पे इस भरी महफिल में, इतने भीड़ भड़क्के में अकेले बिना किसी हसीना के? अच्छे लग रहे हो वैसे तुम। ब्लैक ब्लैक यार, वाओ क्या बात है। तुमने भी ब्लैक पहना है, मैंने भी ब्लैक पहना है। अच्छे लग रहे हो काफी। वर्कआउट करके आए हो क्या अभी? नहीं, वर्कआउट तो मैं मॉर्निंग में करता हूँ। मॉर्निंग में करते हो? लग तो ऐसा रहा अभी भी करके आए हो। क्या लग रहे तुम्हारे बाइसेप्स, एब्स भी पक्का हो गए है ना? हाँ। चलो ये मौका तो हमें दोगे देखने का? हाँ बिल्कुल। यार मैं तुमसे बात करने आई हूँ, मैं तुम्हें देख रही थी, नोटिस कर रही थी, अच्छे लग रहे थे काफी, बहुत प्यारे से लग रहे थे। मैंने कहा कर लेती हूँ, लड़का अकेला खड़ा है, मुझे ना लड़के को कंपनी देनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कोई अच्छी सी लड़की की जरूरत है साथ में चले तुम्हारे हाथ में हाथ डाल के? बिल्कुल जरूरत है। तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई एक राजकुमारी होनी चाहिए और तुम उसके दिल के राजा? आय हाय क्या बात है। दोस्त तो पन ही सकते हैं, ऐसे भी होता है फिर। अच्छा दोबारा करो, सीखो पहले मुझसे, लोग मुझसे सीखते हैं और तुम। चलो अब दोस्ती हो गई हमारी, बिल्कुल पक्की। मेरा ना अभी ब्रेकअप हो गया, सीधी सी बात है। आनंद नाम है ना तुम्हारा? तुम ही मुझे आनंद दे सकते हो। I love to. यार मेरा भी ब्रेकअप हुआ है पता तुम्हें, थोड़े दिन ही हुआ है बस। okay. और मैं उसके दुख में ना मतलब क्या बताऊँ, आधी हो गई है सूख सूख के। काटा होता है ना काटा, वो क्या कहते हैं, पेड़ झड़ जाता है और एक काटा बन जाता है, बस मेरी हालत कुछ ऐसी है। दशा मेरी खराब है, बहुत मुसीबत में हूँ मैं। तुम भी यार सिंगल खड़े हो और बॉडी बिल्डर होके भी सिंगल खड़े हो, कमाल है यार। लड़कियाँ तो बहुत फिदा होगी तुमसे। कोई बात नहीं, मेरी जैसी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अच्छी नहीं लग रही मैं? नहीं बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है ना, क्यूट नहीं लग रही? ये देखो मैं क्या पहन के आई हूँ, प्यारी नहीं लग रही? बहुत क्यूट, बहुत क्यूट हूँ। एकदम हो जाता है कुछ भी, पता नहीं चलता है इस दुनिया में, कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तुम अच्छे लग रहे हो वैसे, तुम्हारे एप्स वेप्स कुछ तो दिखाओ। तो ऐप्स अभी देखने हैं। बिल्कुल यार, और कब? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? सुना नहीं तुमने? मैं पकड़ लेते हैं। अरे क्या बात है, वाओ यार क्या लग रहे हो, तुम्हारे एप्स भी कितने विजिबल है, वाओ। बहुत इन्वेस्ट करते हो तुम अपनी बॉडी पे है ना? इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। जिम वाले लोग यार मेरे को सीरियसली बहुत पसंद है, और तुम्हें देख के तो मतलब तो? सीपी में गर्मी क्यों मचा रखी है ये तो बताओ। मैं ले चलती हूँ तुम्हें डेट पे, डेट पे चल लेते हैं यार। और मेरे को भी बंदे की जरूरत है, तुम्हें भी बंदे की जरूरत है, साथ में मिलके करेंगे इंजॉय यार। तो देखो यार मेरी ना कुछ फैंटेसीज है, अब तुम्हें पता है कि अभी मेरा ब्रेकअप हो गया और तुम भी सिंगल ठहरे है ना, तो मैं पूरे दिलो दिमाग से सिंगल हूँ और मिंगल होने का पूरा सोच के आई हूँ, ठीक है? और तुम्हें पता है कि आजकल बंदा मेरा काम हो गया, तुम्हारा भी हो गया, साथ में हम दोनों मिलके काम करेंगे ना। गलत मत सोचो यार। देखो सीधी सी बात है, आजकल लोग क्या होते हैं, लड़के लड़कियों को लेके जाते हैं कॉफी डेट या मैकडी केएफसी। नहीं यार मुझे ऐसी जगह नहीं जाना। तो मेरी ना कुछ फैंटेसीज है तो जो कि मैं पूरी करना चाहती हूँ। किस तरह की फैंटेसी? किस तरह की? जैसे कि हम यहाँ पे डेट कर सकते हैं ना, यहाँ पे मतलब तुम्हें बिल्कुल कैंडल लाइट डिनर जैसी फील आएगी। हाँ अब दिन है, तुम्हें कैंडल लाइट डिनर नहीं मिल सकता, लेकिन बहुत सिमिलैरिटीज यू नो वे, तो तुम्हें मैं जन्नत में घुमाना चाहती हूँ। नहीं मैं भी ऐसा ही हूँ। ऐसे हो और तुम तो और भी अच्छे लग रहे हो। हाथ तो दिखाओ तुम्हारा यार, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? शिवरिंग हो रही है तुम्हें। मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारा ना कभी इतनी खूबसूरत लड़की से ना पाला नहीं पड़ा है, यही बात है ना? तुम बहुत प्यारे हो पता तुम्हें। तुम्हें डेट पे जाने में तो और मजा आएगा यार। चले फिर यही चलना है पास में। तो डेट पे तो हम रेडी है जाने के लिए। नहीं नहीं क्या करोगे, ऐसे ही डेट पे चले गए, क्या दिक्कत है? चलो मेरी ना थोड़ी सी हेल्प करो तुम, ठीक है? ओ चादर। अब डेट पे जा रहे हैं, बिल्कुल यही बैठना। अब हेल्प करो ना, अब डेट पे जा रहे हैं, कुछ तो अच्छा करेंगे ना ये। ऐसे मैंने बोला ना मैं थोड़ी फिल्मी टाइप लड़की हूँ, तो मुझे ना अच्छी अच्छी चीज़ें करने का बहुत शौक है। तो यहाँ आओ ना, सोच रहे हो क्या हो रहा है मेरे साथ है ना, ज़रा हेल्प करो ना।
हाँ सो क्यूट वाओ पहले आप चलो आओ बैठते हैं मेरा बैग भी यहाँ है बैठो कैसा लग रहा है ऐसे कभी मतलब थोड़ा ऑकवर्ड बैठो ना यार प्लीज हैव अ सीट बैठो ये मजा आएगा मैं सच्ची बता रही एक बार तो बैठो अरे देखो तुम्हें पता होगा ना यार कॉफी पे जाते हैं लोग यहाँ जा रहे हैं अरे यार कुछ अलग करनी चाहिए डिफरेंट चीजें होनी चाहिए ना दुनिया में एक्साइटमेंट होनी चाहिए अरे एक बार बैठो तो सही अच्छे लग रहे हो पता तुम्हारा तुम ना बहुत क्यूट हो पता मुझे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो मैं तुम्हारे कुछ लेके आई दिस इज ओनली फॉर यू अच्छा तुम्हें पता था मैं मिलने वाला हूँ हाँ और क्या मेरे को आज अंदर से ही एक ख्याल आ रहा था मेरे दिल ने आवाज़ दे दी थी कि यार तुझे एक ऐसा बंदा मिलने वाला है जो बहुत ही हॉट लग रहा है एक परफ्यूम है तुम्हारे लिए अश्योर का बहुत अच्छा है यार क्या हो गया तुम्हें अपना बनाने का जुनून नंबर भी दे दो यार अगली बार कहीं और तुम्हारी मर्जी से चल लेंगे जहाँ तुम बोलोगे तो अच्छा लगा तुम्हें मेरे से मिलके हाँ बहुत अच्छी लगी डेट तो डेट में कुछ भेलपुरी यार तुम्हारे लिए और भी है आप देखो खाने के लिए ज़्यादा मैगडी वैगडी नहीं है लेकिन एक देसी डेट आई है तो थैंक यू सो मच यार थैंक यू ये तुम्हारे लिए है तुम्हें खिलाता हूँ ओह सो स्वीट भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं थैंक यू सो मच तो तुम भी खाओ अच्छी लग रही है मेरी डेट हाँ, मजा आ रहा है छोड़ के जाने को मन ही नहीं कर रहा है और तुम्हारे कान भी लाल लाल हो गए हैं अब एक बात भी बता दूं मैं एक छोटा सा प्रैंक कर रही थी मैं छोटा सा प्रैंक कर रही थी वो देखो कैमरा तो क्या हुआ बात बात तो करेंगे ना अब तुम भी इतने अच्छे लग रहे हो हॉट लग रहे हो तो मैं ऐसे थोड़ा जाने दूंगी अपने हाथ से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है जो मैं अपने हाथ से नहीं जाने वाली नहीं मैं तो सीरियस हो गया था अरे एक्चुअली यूट्यूब पे चैनल है हमारा देखो कैमरा लगा हुआ है सामने हाय कर दो पहले तो हाय अच्छा लग रहा ना बंदा बोल दो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो रिट्स धवन को सब्सक्राइब टू रिट्स धवन शुक्रिया मगर मेरा दिल टूट गया आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो यार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और इंस्टाग्राम पे आ सकते हो अच्छी अच्छी बातें करेंगे मिलके यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अच्छी अच्छी वीडियो और आती रहेगी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।